जो है इसकी क्वालिटी देखते हैं आप, इसको यूँ करो आपको ना इसको काटना ऐसे काट लो और सीधा इसको एक चीज़ बीच से निकालना है। नमस्कार सभी दोस्तों को, भाइयों को, डॉक्टर राजकुमार गोहाना से चोपड़ा कॉलोनी से बिलोंग करता हूं और सुनील सर हाइड्रोपोनिक्स से जो बगैर मिट्टी के मतलब पानी से जो न्यूट्रिशन या फिर फ्लावर हैं या सब्जियां हैं उसको उगाने की और उसको बताने की जो विधियां बताई गई हैं वो बहुत अच्छी लगी। एंग लेकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। क्या आपको पौधे को कितने न्यूट्रिएंट चाहिए, कितनी मात्रा में डालने, क्या वो फार्मूले आपको सब बताए गए? फार्मूले बताए गए हमारे को, उसके अकॉर्डिंग हमारे को बुक भी दी गई है और उसके अंदर भी लिखा हुआ और एक एक चीज़ हमारे को प्रैक्टिकल करके दिखाया भी गया और बताया भी है। तो क्या आप इस काम को आसानी से कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, यस बिल्कुल। थैंक यू। आप कहाँ से हैं और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेके कैसा लगा? मेरा नाम रामनिवास दैया, गांव कलाली, डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी। और मेरे पास सर राकेश जी महेंद्रगढ़ में मेरी शॉप है, वहाँ पे आए थे मेरे साथी एडवोकेट संदीप के साथ में। और सुनील सर को भी मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, इन्होंने मेरे को बताया कि बिना मिट्टी रहित खेती की जा सकती है जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहेगी। जो हम आज बाज़ार से सब्जियां लाकर खाते हैं उसमें बहुत सारा जहर है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां, किडनी, लीवर, स्टोन, यानी कि बहुत सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां आज हैं खान पान से ज़्यादा फैल रही हैं। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो सबसे पहले हमें अपने खान पान को बदलना होगा। खान पान में सब्जियां हैं, जो अनाज है, हम अपने अनाज को और सब्जियों को जो आज सुनील सर ने जो टेक्नोलॉजी, जो विदेशी टेक्नोलॉजी थी और जो आज हरियाणा के अंदर कायम करके दिखाई गोहाना में, मैं सुनील सर को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और राकेश जी को जिन्होंने मेरे को इस बारे में बताया। और मैं बताने के बाद मैंने किसी चीज़ का संकोच न करते हुए मैं अकेला यहाँ सफ़र करके आया। मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार पहले इसको इस प्रक्रिया को करेंगे और साबित करके दिखाएंगे मेरे क्षेत्र में और लोगों को इस हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को बीमारियों से बचा के रखेंगे। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेके कैसा लगा? मेरे को ट्रेनिंग लेकर बहुत अच्छा लगा और मेरे को ट्रेनिंग में बहुत सारी जो जानकारियां हैं, जो प्लांट कैसे लगाया जाता है, प्लांट कैसे बनाया जाता है, प्लांट में कितने न्यूट्रिशन डाले जाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से बताई गई और मैंने इन चीज़ों के बारे में बारीकी से समझने की कोशिश की। सेटअप वगैरह कैसे बनाया जाता है या सेटअप कैसे होते हैं वो आपको बताया गया? सेटअप अगर जो बनाया जाता है उसके बारे में खुलकर बताया गया और कैसे लगाया जाता है उसके बारे में खुलकर बताया गया और बीज अंकुरित करके और उसका पौधारोपण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया। और उसके बारे में जैसे समय समय पर 15 दिन के स्टेज में और 30 दिन के स्टेज में और 45 दिन के स्टेज में पौधे को कैसे लगाया जाएगा और उसमें कितना न्यूट्रिशन समय समय पर दिया जाएगा 15 दिन में, 30 दिन में और 45 दिन में, उसके बारे में खुलकर बताया गया। ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम और आपको यहाँ पर ट्रेनिंग लेके कैसा लगा? नमस्कार जी, मैं राकेश आर्य, मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था और ट्रेनिंग हमारी पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छा लगा। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे को वो चीज़ों का पता चला जो आज तक देखी नहीं थी, बिना मिट्टी के भी सब्जी हो सकती है ऐसा हमें पता नहीं था, जिसका कि आज पता लगा है। इस ट्रेनिंग में न्यूट्रिएंट वगैरह के बारे में और पूरा प्लांट कैसे लगाया जाए उसके बारे में प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारे को बताया गया और हम ये जाते ही अपना नया काम शुरू कर देंगे इसके माध्यम से और लोगों को भी हम बताएंगे कि ये कार्य सब ने अपने घर पे करना चाहिए जिससे घर में अच्छी सब्जी मिले और सब ने करनी चाहिए। थैंक यू।
अगर हम इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो ये पांच बड़ा है ऐसे आप देखो है